धाम की जय, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंदेवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, निताय गौर प्रेमनंदे हरे हरे बोल। ऑल ग्लोरी टू मल्टीवर्स हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरी टू मल्टीवर्स हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरी टू मल्टीवर्स हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु श्री गौरांग, ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण। तो आप सभी का इस रविवार साप्ताहिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब अपने प्रिय बंधु मोबाइल फ़ोन को कृपया करके चेक कर लें कि वो या तो स्विच ऑफ हो या साइलेंट मोड पे हो, क्लास में रिंग ना करें ताकि किसी को कोई बाधा ना हो। अगर आप कर भी चुके हैं तो दोबारा निकाल के क्रॉस चेक कर लीजिए, और प्रभु जी लोग अगर थोड़ा आगे आ जाएंगे तो और अच्छा है कि पीछे से आने वाले लोगों को बाधा नहीं होगी। तो हमारे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड है, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, कोई श्लोक। नॉर्मली हम श्लोक लिखते हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ आपको मैथमेटिकल इक्वेशन इस पर लिखने वाला हूँ। ये क्लास गीता के ऊपर है, मैथमेटिक्स पर नहीं है। और जो हमारा विषय है बेसिकली वह है कि वह है श्रीमद् भगवद गीता से हम ये कुछ संक्षेप के अंदर सीखने का प्रयास करेंगे कि कर्म क्या है और हमें किस प्रकार से कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये गीता का मूलभूत जो है सिद्धांत है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की चेतना को प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो दूसरे और चौथे अध्याय के अंदर इस विषय पर चर्चा होती है काफी हद तक। तो भगवद गीता के जो कहां पे बोली गई थी, कुरुक्षेत्र में। वहां पे क्या हो रहा था उस समय, एक बहुत बड़ा भागवत सम्मेलन होने वाला था, सब लोग आपकी तरह सुनने के लिए वहां बैठे थे। क्या होने वाला था वहां पे, युद्ध होने वाला था। और युद्ध होने से पहले, जस्ट पहले, मतलब जिस प्लेयर से सबसे ज्यादा होप थी कि हाँ भाई ये हमारा जो है टॉप वॉरियर है अर्जुन, जिसके ऊपर पूरे पांडव सेना की आशाएं बंधी हुई थी, वो क्या कह रहा है कि मेरे से युद्ध नहीं होगा, है कि नहीं। युद्ध करने का फायदा क्या है, मतलब ऐसा हो जैसे आजकल वर्ल्ड कप का सबको फीवर चढ़ा होगा और वहां पे जा करके इंडिया का या किसी भी टीम का जो टॉप प्लेयर है वो जा करके बोले कि ये गेम खेलने का फायदा क्या है कि नहीं। तो यही सिचुएशन थी। तो अब आप सोचिए कि आप ऐसा मैच देख रहे हो, है ना, जहाँ पे जो भी टीम का बेस्ट प्लेयर है वो बोले कि भाई मैच खेलने का फायदा क्या है, हम जीते चाहे वो जीते, यू नो, इससे बढ़िया हम सारी टीम, उस कैप्टन टॉस कर रहा है और बोलेगा नहीं हम टॉस नहीं करेंगे, हम सब जंगल में जा रहे हैं संन्यास ले रहे हैं, तुम्हारी टीम बिना खेले ही जीत गई। तो यही स्थिति अर्जुन के पांडव सेना के अंदर हो रही थी। और उस समय भगवान, ऐसा नहीं था अर्जुन को कोई डर लग गया था उनको देख करके कि ओहो बड़े बड़े भीष्म पितामह, बड़े बड़े दिग्गज वॉरियर महारथी रथी खड़े हैं यहाँ पर, तो हाय क्या होगा। ऐसा कतई नहीं था कि अर्जुन में पराक्रम की कमी थी या शौर्य की कमी थी या साहस की कमी थी या कौशल की कमी थी, ऐसा कतई नहीं था कि अर्जुन भूल गया था कैसे बाण चलाना है उनको देख करके। अर्जुन वही अर्जुन था जिसके पास वह गांडीव था, वह पराक्रम था कि देवता दानव इकट्ठे भी आ जाएं तो अर्जुन उनको लड़ सकता था अकेला। लेकिन वह अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब गया और अपने सामने और
भगवान को बोला कि आप मेरे रथ को बीच में लेकर के जाइए, और जब ये बाजू में सारी कौरव सेना को और ये बाजू में सारी पांडव सेना को देखा तो अर्जुन के मन में बहुत सारे संशय उत्पन्न हो गए कि हे प्रभु, युद्ध करने का फायदा क्या है। और वह कई सारे कारण बताते हैं कि क्यों, हमें बड़े सॉलिड लॉजिक देते हैं कि हमें क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को जब वो शरणागत होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में उनको उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, और पहले आत्मा शरीर का ज्ञान देते हैं, और आत्मा शरीर का ज्ञान देने के बाद में भगवान श्री कृष्ण उनको कर्म करने की शिक्षा देते हैं। तो दूसरे अध्याय के अंदर ये सब चर्चाएं होती हैं, जहाँ पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप कर्म कीजिए, और जो है कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्तु कर्मणि। तो अब ये जो श्लोक लोगों को लगता है, इस श्लोक के सबसे कितने लोगों को इस श्लोक मालूम है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, इसका कुछ भी भाग मालूम है, बस यहाँ हाथ खड़ा करने में भी आपको थोड़ा आलस आ रहा है कि वो कर्म करें। तो कई लोग बोलते हैं कि गीता में भगवान का संदेश क्या है, कर्म करो, राइट? ऐसा आपने सुना है, हैं? सभी लोग बोलते हैं ऐसा, सोचते हैं कि कर्म करो, वही पूजा है, वही भगवान ने बोला है। लेकिन कहाँ बोला है भगवान ने वो? दूसरे अध्याय में, गीता के प्रारंभ में बोला है, यानी गीता का बिगिनिंग है, अभी गीता का अंत नहीं आया है। यह गीता का कंक्लूजन नहीं है, निष्कर्ष नहीं है कर्म करना, यह गीता का प्रारंभ है, क्योंकि अर्जुन कर्म करने से कतरा रहा था। तो ये तो एक पहला मिसकंसेप्शन लोगों को रहता है, और ऐसे कुछ और हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो अर्जुन, अब अर्जुन के मन में डाउट था कि भगवान, और भगवान एक तरफ कहते हैं कि जो है व्यक्ति को ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड हो गया कि हे भगवान, मुझे कर्म करना बेटर है या ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए? मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। तीसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है, अर्जुन के मन में डाउट आता है ना? और हालांकि दूसरे में संक्षेप भगवान बोला था, तो तीसरे और पांचवें अध्याय के अंदर भगवान इसको और विस्तार से बताते हैं कि अर्जुन तुम्हें कर्म कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो हम मंगलाचरण प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको बताना शुरू करता हूँ कि अर्जुन के मन में चल क्या रहा था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे आप में से कुछ लोग थोड़ा हिचकिचा रहे, थोड़ा जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
अब मुझे पता नहीं आपको पीछे जो मैं लिख रहा हूं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन अर्जुन के मन में यह संदेह चल रहा था कि देखिए आप कर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, कर्म का फल प्राप्त होता है। ठीक है ना, आप अगर पुण्य करते हैं तो उसका फल क्या होता है, सुख, राइट। कर्म का दो भाग है कह लीजिए, यदि पुण्य करते हैं तो फल होता है सुख, यदि आपने पाप करते हैं तो क्या फल होता है, दुख, राइट। जैसे बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो अब आप आम का बीज बोएंगे तो क्या निकलेगा, वही फल निकलेगा। अब जब फल होता है, आप कोई कार्य करते हैं आपको फल प्राप्त होता है, तो उसके साथ क्या होती है, जब आपको कोई फल प्राप्त होता है तो क्या उसके साथ में आपके हृदय में क्या होता है, उसके साथ आसक्ति होती है कि नहीं। अब ऐसा तो कभी होता नहीं ना कि आप पूरा महीना कार्य करें और जब सैलरी स्लिप आती है, पूरा महीना आदमी काम किस लिए करता है, उस सैलरी स्लिप के लिए कार्य करता है, ऐसा तो नहीं होता। बॉस को बोलते अपने पास रख लो आप, ऐसा कोई करता है आप में से, अगर ऐसा कोई करेगा तो उसे लो दुनिया क्या बोलेगी, वे क्रैक है ना, पागल आदमी है। तो अर्जुन की ये इक्वेशन थी कि देखो भगवान आप मुझे कह रहे हो कर्म करो, कर्म करूंगा तो कर्म फल प्राप्त होगा, कर्म फल से प्राप्ति क्या होगी, मान लो मैं कर्म करता हूं, आप कह रहे हो मैं राज्य युद्ध जीत गया मान लीजिए, तो क्या प्राप्त होगा, फल क्या प्राप्त होगा मुझे, हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त होगा। और मान लीजिए हार गए, मारे गए युद्ध के अंदर, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो क्या प्राप्त होगा, तो स्वर्ग में वास प्राप्त होगा, क्योंकि क्षत्रिय की मौत मरा हूं, मृत्यु प्राप्त हुई है, वीर गति प्राप्त होने वाले को शास्त्र अनुसार क्या प्राप्त होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। Altar's not open yet. तो जो है तो प्राप्त होगा, तो दोनों केस के अंदर या तो हस्तिनापुर का राज्य या फिर स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा। ठीक है, आप कृपया करके बैठे रहिए, जो इस तरफ बैठे हैं आपसे निवेदन है ना, कि बाकी सबको डिस्टर्ब होगा, और ध्यान से सुनिएगा ये अर्जुन की मेंटेलिटी को, क्योंकि ये हम सबको बहुत हेल्प करेगी। तो अब हस्तिनापुर का राज्य मेरे को प्राप्त हो गया, जय राधा राधिकारण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो अब क्या होगा, हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ तो मैं राजा बनूंगा, उसको भोगूंगा, उससे आसक्ति है, स्वर्ग में जाऊंगा तो वहां सुख भोगूंगा, और जहां आसक्ति है, आसक्ति किसको लीड करती है, बंधन है कि नहीं, जहां आसक्ति होगी आप उस चीज के साथ आसक्त हो जाएंगे, बंध जाएंगे। अब अर्जुन कहता है कि भगवान आप जो मुझे मार्ग, अगर मेरे को ये मार्ग आप कह रहे हो तो ये कहां लेके जाएगा मुझे, बंधन की ओर। इक्वेशन सही है कि नहीं है, है ना। और मुक्ति का मतलब क्या है, मुक्ति मीन्स नो बंधन, है कि नहीं। अगर मुक्ति का मतलब यही है ना कि बंधन नहीं होना चाहिए, सच है कि नहीं, आपको दिख रहा है यहां पे पीछे से। तो अर्जुन ने क्या किया, ये क्या बोला, अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो नो बंधन, नो बंधन मीन्स नो आसक्ति, नो आसक्ति मतलब नो कर्म फल, नो कर्म फल मतलब नो कर्म, कि भाई यदि आप काम नहीं करेंगे तो क्या बन जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। ये अर्जुन की कैलकुलेशन थी। आप में से कितने लोगों को बढ़िया कैलकुलेशन लग रही है, ये कितने लोगों को ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी लग रही है, कि बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। मतलब जो व्यक्ति बिल्कुल निकम्मा है, आलसी है, कामचोर है, उसको आप बोल सकते हो कि वो क्या है, मुक्त है। लेकिन ये अर्जुन का जेन्युइन डाउट था, जेन्युइन मेंटेलिटी थी कि हे भगवान मैं मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन जो रास्ता बता रहे हो ये कहां लेके जा रहा है मुझे, बंधन की ओर लेके जा रहा है। तो भगवान इस बात को समझ गए, जो है ना, कि नो एक्शन मीन्स नो रिजल्ट, नो रिजल्ट मीन्स नो अटैचमेंट, नो अटैचमेंट मीन्स नो बॉन्डेज, नो बॉन्डेज इज इक्वल टू लिबरेशन। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत सही है, लेकिन किसके लिए सही है, जिसको कर्म की इंट्रिकेसीज नहीं पता। कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के 15-16-17-18 श्लोकों के अंदर कह रहे हैं, किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
यद् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति को ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि कर्म के कितने प्रकार हैं, राइट। तो और ये क्या है, कवयो अप्यत्र मोहिता। कर्म की गति को समझ पाना तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते, मोहित हो जाते हैं। तो इसको भगवान में कह रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, लेकिन आप जहां तक समझने का प्रयास कर सकते हो करो, जहां तक समझ सकते हो। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कर्म करने की वास्तविक शैली क्या है। तो भगवान बता रहे हैं तीन प्रकार के कर्म, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ एक्शन। पहला क्या है, कर्म, दूसरा अकर्म, और तीसरा विकर्म। कर्म का मतलब क्या है, रेगुलेटेड एक्शन, यानी नियत कर्तव्य, जो आप रेगुलेटेड एक्शन, जो आपका नियत कर्तव्य है वो है कर्म। अकर्म क्या है, एक्चुअली रेगुलेटेड से भी अच्छा वर्ड है प्रिस्क्राइब्ड एक्शन, नियत कर्तव्य। और विकर्म होता है अनऑथराइज्ड वर्क, अनऑथराइज्ड एक्शन, यानी शास्त्रों के विरुद्ध किया गया कार्य उसे बोलते हैं क्या, विकर्म, यानी विपरीत कर्म। और अकर्म मतलब इनएक्शन। अब ये जो वर्ड है इसकी बहुत गलत टीका होती है लोगों के द्वारा। लोग समझते हैं अकर्म मतलब का क्या मतलब होना चाहिए, अकर्म मतलब कोई कार्य नहीं, राइट, मतलब नो एक्शन। लेकिन कृष्ण इस वर्ड को समझाते हैं क्या, ट्रांसेंडेंटल एक्शन, या फिर हिंदी में बोला जाए तो दिव्य कर्म, है कि नहीं। यह है विरुद्ध कर्म या विपरीत कर्म, और यह है नियत कर्म, यानी जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। और अकर्म क्या है, क्या है अकर्म, दिव्य कर्म, राइट। तो भगवान बता रहे हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः। तो भगवान यह तीन प्रकार के कार्य बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को कई प्रकार के कर्म करते हैं। जैसे आप बताइए, हम सभी कर्म करते हैं, क्या कर्म करना होता है। अब हमारे पास शरीर है तो हम भोजन खाते हैं, राइट, इस शरीर को विश्राम देना होता है। और क्या क्या करना होता है, स्नान इत्यादि करना पड़ता है, इसके निर्वाह के लिए आपको ऑनेस्ट मीन्स से अर्निंग करने के लिए जाना पड़ता है, राइट। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं इत्यादि, गृहिणियां घर का कार्य करती हैं, तो ये सब हो गए क्या, स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे नियत कर्म हैं, इनको क्या बोला जाता है, एक्शन। ऑफकोर्स कृष्ण गीता में इसको भी तीन भाग में बांटते हैं, इमरजेंसी वर्क, रूटीन वर्क एंड कैप्रिशियस वर्क, पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि उसकी और चर्चा की जाए। बट कर्म मीन्स प्रिस्क्राइब्ड एक्शन, इज इट ओके, राइट, क्लियर ना, कोई संदेह किसी को। तो कर्म हो गया प्रिस्क्राइब्ड एक्शन। और कर्म दो प्रकार के, अगर हम बेसिक भाषा में बोला जाए तो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, पुण्य और पाप, राइट। लेकिन भगवान इस पाप को कहां जोड़ रहे हैं, यहां पे विकर्म, जो कि अनऑथराइज एक्शन है। तो ये कर्म आपको क्या देगा, या क्या क्या देगा, इसका परिणाम क्या होगा, जब हम रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, वस्त्र पहनते हैं, आजीविका लाइवलीहुड अर्न करते हैं, तो इसका क्या परिणाम हमको प्राप्त होता है, हाँ? इसके दो प्रकार के परिणाम होते हैं कम से कम। पहला परिणाम होता है जो बेसिकली कि आप कह सकते हैं सुख कह लीजिए, या जो आपका रूटीन वर्क है वो, मतलब आपको उससे फैसिलिटी मिलती रहती है, राइट, एक प्रकार का। और दूसरा, इससे यदि कोई करता है तो ज्ञान भी प्राप्त होता है। कैसे, डिपेंड करता है कि वो कर्म कितनी अनासक्ति के साथ किया गया है, ये हम आगे भी और चर्चा करेंगे। इसके दो, धीरे धीरे व्यक्ति के हृदय में ज्ञान आता है, और जो इमीडिएट एक्शन है वो है सुख। जैसे आपने एक महीना कार्य किया, बाद में आपको प्रॉफिट मिला, सैलरी स्लिप मिला, तो क्या मिलेगा उससे आपको, आपको सुख मिलेगा। ऑफकोर्स आप ये कह सकते हो दुख की निवृत्ति होगी,
लेकिन जो आप अपने बिल्स पे कर पाओगे अगले महीने जीने के लिए सामान खरीद पाएंगे राइट रॉन्ग तो यह है एक कर्म फल अब विकर्म यानी जो विपरीत कर्म है विरुद्ध कर्म है उनका उनको जो है करने से क्या प्राप्त होगा आपको क्या प्राप्त होगा बताइए विपरीत गलत काम करने से हाँ दुख राइट आपको कष्ट प्राप्त होगा अनऑथराइज एक्शन करेंगे तो क्या होगा बड़ी सीधी सी बात सॉरी दुख प्राप्त होगा कैसे अब आप देखिए आप मंदिर आए रास्ते में आते हुए दो चार लाल बत्तियां तोड़ के आए तो क्या होगा आपके घर में चालान पहुंच जाएगा राइट रॉन्ग अब आप बिना बेल्ट सीट बेल्ट पहने या बिना हेलमेट पहने आप ड्राइव करेंगे तो क्या होगा पुलिस पकड़ लेगी और आपको कष्ट प्राप्त होगा अब आपका मन किया सड़क पे आप गए ऐसे ही तो प्रसाद खा के निकले और आपने सड़क पे कोई व्यक्ति मिला देख एक चांटा मारा खींच के मान लीजिए तो क्या होगा आपको क्या मिलेगा आपको ये फूलों का हार मिलेगा कि हाँ या दूसरा गाल मिलेगा इधर भी लगाइए क्या प्राप्त होगा आपको कम से कम एक तो बदले में मिलेगा ही मिलेगा अगर दो नहीं तो कम से कम राइट है ना तो अगर आप अनऑथराइज एक्शन करते हैं तो फिर अनवांटेड रिजल्ट ही प्राप्त होता है यानी दुख प्राप्त होता है ठीक है और तीसरा है अकर्म ये अकर्म जो है इससे क्या प्राप्त होता है दिव्य कर्म से क्या प्राप्त होगा आपको दिव्य परिणाम है कि नहीं तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन जो है तुम्हें ये अकर्म क्या है जो आपको दिव्य परिणाम प्राप्त करेगा डिवाइन वर्क डिवाइन रिजल्ट राइट जो आपको दिव्य परिणाम आपको प्राप्त करेगा या साधारण शब्दों में बोला जाए तो कर्म हो गया रेगुलेटेड कर्तव्य अकर्म मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य और विकर्म मतलब पाप राइट जो शास्त्रों के विरुद्ध आदेश है उसको करना और नेचुरल तीन अलग अलग तरीके कार्य करेंगे अलग अलग प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होंगे आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी कार्य करो परिणाम एक ही मिलने वाला है ऐसा नहीं होता है कि नहीं आप इधर मंदिर से निकल के इधर जाएंगे तो क्लब आएगा इधर जाएंगे तो पश्चिमपुरी आएगा आप ये नहीं कह सकते किसी भी रास्ते जाओ क्लब ही पहुंचेंगे सब ऐसा तो नहीं कह सकते ना तो ये भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम समझने का प्रयास करो कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है राइट तो कर्म मतलब जो शास्त्रों में बताया रूटीन वर्क अकर्म जो भगवान ने बोला गया वो कर्म और विकर्म मतलब जो शास्त्रों में विरुद्ध कार्य करना ठीक है ना अब ये आपको बात समझ आए तो भगवान अर्जुन को कौन सा कर्म करने को कह रहे हैं लड़ाई करने को कह रहे हैं युद्ध करने को कह रहे हैं अब वो कर्म है अकर्म है या विकर्म है क्या कहते हो कितने लोग कहते हैं कि वो विकर्म है इतने लोगों की हत्या करना मारना ये कितने लोग आप में से कहते हो कि वो विकर्म है एक दो तीन चार और कौन पांच छः आप में से कुछ लोग कहते हैं कि वो विकर्म है कितने लोग कहते हो कि नहीं अर्जुन क्षत्रिय है अपने राज्य के लिए अर्जुन का कर्तव्य है कि आतताइयों का वध करना है और इन लोगों ने उनका राज्य हड़प लिया और उनकी पत्नी का अपमान किया तो अपने हक के लिए लड़ना और वो भी क्षत्रिय को एक अधर्मी व्यक्ति का नाश करना तो उनका कर्तव्य है और अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं वो किसी और के राज्य के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं तो यह एक धर्म युद्ध था तो कितने लोग कहते हो कि यह अर्जुन का कर्म था अच्छा अब यह तो काउंट करना मुश्किल है अब कितने लोग कहते हो कि नहीं 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 यह खाली अर्जुन का कर्म नहीं था और विकर्म भी नहीं था साक्षात भगवान अर्जुन के रथ पे खड़े थे और उन्होंने बोला अर्जुन युद्ध करो निमित्त मात्रम भव सव्य साची तो क्योंकि भगवान ने बोला युद्ध करने के लिए तो कितने लोग कहते हो कि यह अकर्म था ट्रांसेंडेंटल वर्क था अच्छा तो ये अकर्म और कर्म के बीच में तो अर्जुन का यही प्रश्न था अर्जुन सोच रहा था कि देखो ये कर्म मुझे बंधन में लेके जाएगा लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि नहीं आप केवल निमित्त मात्र बनिए ये युद्ध तो हो चुका है और इसका परिणाम भी निश्चित है आप सिर्फ जाइए और खिताब जीत के आ जाइए यू नो और कुछ नहीं है मारना सबको मैंने है मार चुका हूं ऑलरेडी उसी दिन इनकी आयु समाप्त तो हो गई थी जिस दिन द्रौपदी का अपमान हुआ था वही दिन पे इनका इनकी आयु समाप्त तो कम हो चुकी थी तो ऐसे भगवान अर्जुन को बताते हैं
और अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन आप अपनी चेतना को शुद्ध कीजिए, राइट। अब जब तक पहले अध्याय तक, अब उत्तर क्या है कि अर्जुन का युद्ध कर्म था अकर्म था? आप में से अब कितने लोग कहते हो कि कर्म था, कितने लोग कहते हो अकर्म था? अच्छा, अब मैं सही उत्तर दूं, एक स्टेज तक वो कर्म था और उसके बाद के स्टेज में वो अकर्म बन गया। यानी गीता के पहले जब तक अर्जुन बोल रहा था तो अर्जुन केवल कर्म के दृष्टिकोण से देख रहा था, लेकिन गीता ने क्या किया, गीता के ज्ञान ने वो कर्म का एक्शन जो है ग्रॉस एक्शन नहीं बदला, लेकिन अर्जुन की चेतना को बदल दिया कि वह वर्क, वह प्रिस्क्राइब्ड एक्शन बिकेम अ ट्रांसेंडेंटल एक्शन, कि वही लड़ाई का कार्य जो कि अपेरेंटली पाप का कार्य लगता है लोगों की हत्या करना, लेकिन क्योंकि वह क्षत्रिय धर्म था और वहां से भगवान ने उनकी चेतना को दिव्य स्तर पर ले जाके क्या किया, उसको अकर्म बना दिया। तो दिखने में विपरीत कर्म लग सकता है कि अर्जुन ने बहुत मर्डर किया, बहुत लोगों की हत्या की, लेकिन वास्तविकता में वह भगवान की इच्छा थी। तो यहाँ पे भगवान क्या संदेश हमको देना चाह रहे हैं, तो अर्जुन पहले अध्याय तक जब तक अपनी आर्ग्यूमेंट दे रहा था, अर्जुन यही देख रहा था भाई मुझे स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा, वीरगति को प्राप्त हुआ तो, अगर मैं जीत गया तो स्वर्ग हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त होगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, काफ़ी जगह इधर भी आ सकते हैं, हम लोग पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, आप इधर आ जाइए थोड़ा। हरे कृष्ण। तो जो है तो ऐसे आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए। तो जो है कई ऐसे, तो अर्जुन यही सोच रहा था कि मेरे को क्या प्राप्त होगा, क्या लाभ और क्या हानि प्राप्त होगी। लेकिन गीता के संदेश के बाद अर्जुन के मन में क्या बात आई कि नहीं, मेरे को लाभ प्राप्त हो हानि प्राप्त हो, जय प्राप्त हो पराजय प्राप्त हो, मान प्राप्त हो अपमान प्राप्त हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किससे फर्क पड़ता है कि भगवान का आदेश पालन महत्वपूर्ण है। भगवान का क्या आदेश है वो हमको पालन करना है। तो इसीलिए गीता से पहले अर्जुन केवल कर्म के बारे में सोच रहा था, गीता के बाद अर्जुन की चेतना क्या स्थित हो गई, अकर्म करने के ऊपर, राइट। किसी को कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं अभी, मेरे पास ज्यादा मैटर नहीं है बोलने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आए कुछ हद तक, ताकि हम उसमें से एक या दो प्रैक्टिकल शिक्षा लेके जा सके, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ दो ही विषय पर चर्चा की, अर्जुन की मानसिकता क्या थी, कर्म क्या लीड करता है, कर्म करेंगे तो कर्म फल, कर्म फल से क्या प्राप्त होता है, आसक्ति, और आसक्ति से बंधन, राइट। सच है कि नहीं, आप काम करते हैं तनख्वाह मिलती है कर्म फल, उससे आसक्ति होती है कि हाँ भाई इसको इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, या एफडी करेंगे, या फलाना कहीं लैंड खरीदेंगे, और जैसे आप वो करते हैं तो क्या होता है, वहां आपको बॉन्डेज होती है कि नहीं, राइट, हम बंध जाते हैं उसके अंदर। तो अर्जुन सोच रहा था कि मुक्ति मतलब कोई बंधन नहीं, तो कोई बंधन के लिए कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई कर्म फल नहीं होना चाहिए, और कर्म फल ना हो तो क्या है, हम कर्म ही ना करें। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि नहीं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हे अर्जुन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवात्मा बिना कर्म के एक क्षण भी बैठ सके। हो सकता है हम अपने हाथ पैर ना हिला रहे हो, लेकिन क्या कर रहे होंगे, हम से मन से विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी तो कर्म है कि नहीं है, चाहे वो स्थूल कर्म है चाहे सूक्ष्म कर्म है। तो भगवान कहते हैं ये तो संभव ही नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट जो आप कह रहे हो नो कर्म वाली आर्ग्यूमेंट तो इम्प्रैक्टिकल है। तो भगवान ने पहले इस बात को तो खारिज कर दिया, नकार दिया कि यह संभव नहीं है, नो एक्शन, राइट। अब फिर कैसे एक्शन करना है, तो भगवान यहां पे उपदेश दे रहे हैं कि आप, हे अर्जुन, आप अकर्म करने का प्रयास करो। अब अकर्म की क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो बोलेंगे अकर्म क्या है कि भगवान के द्वारा दिया गया कर्म, राइट। तो हम अकर्म के बारे में और अंत के अंदर आएंगे। तो ये करना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, ये कार्य क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल, और ये किसी प्रकार का बंधन नहीं करता है। अब साधारणतया लोग अकर्म को परिभाषा करते हैं कैसे, नो एक्शन के रूप में, ये संभव नहीं है, हमने अभी चर्चा किया, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर अकर्म विकर्म कर्म, इसमें अंतर समझ आया सबको, ठीक है ना। तो अब हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कर्म अकर्म या विकर्म, कर्म और अकर्म, ये दोनों के, विकर्म से तो हर किसी को बचना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इस, क्योंकि ये तो बिल्कुल नरक का रास्ता है विकर्म जो है।
अब व्यक्ति को जो करना चाहिए वो है कर्म और अकर्म, राइट। अकर्म मतलब क्या हुआ, जो भक्ति के कार्य हम करते करने चाहिए, भगवान का नाम जप करना, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की सेवा करना, यानी भगवान की प्रसन्नता हेतु जो भी कार्य किया गया है वो क्या है, अकर्म है। और हर व्यक्ति को अपने जीवन प्रतिदिन के दैनिक रूटीन के अंदर, दिनचर्या के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में इन अकर्मों को बढ़ाना चाहिए, राइट। जैसे आप सब अभी एक घंटा दो घंटा निकाल के मंदिर में आते हैं, कई लोग रोज भी आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का कीर्तन सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो ये तो हो गया डायरेक्ट अकर्म, राइट। अब कर्म से बच नहीं सकते, तो बड़ा सही आपने बताया कर्म और अकर्म। अब कर्म करने की कला क्या है, राइट। तो कई लोग बोलते हैं कि देखो कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, ठीक बात है कि नहीं, आपने सुना ही सिद्धांत, कितने लोग आप कहते हो बिल्कुल सही सिद्धांत है, कर्म ही पूजा है। आप में से कई लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, वर्क इज वर्शिप, क्या ये बात सत्य है गलत है भाई, वर्क इज वर्क एंड वर्शिप इज वर्शिप, राइट। कर्म कर्म है और पूजा पूजा है, क्यों, अभी हमने चर्चा की यहां पे, कर्मा कर्म है और पूजा क्या है, भगवान की पूजा क्या है, वह कर्म है। अब बुरा ना मानिएगा, एक किसी ने ऐसे बोला, बोले अगर इफ वर्क इज वर्शिप, यानी जो जितना अधिक कार्य करेगा वो उतना अधिक पूजा करेगा, तो गधा तो पूरा दिन कार्य करता है, राइट, पूरा दिन गधा मेहनत करता है, तो सबसे बड़ा पुजारी कौन हुआ, गधा हुआ कि नहीं हुआ। यदि कर्म ही पूजा है तो गधा सबसे बड़ा पुजारी है। तो कहने का अर्थ है कि वर्क इज नॉट वर्शिप, हाँ, द वर्क द वर्शिपफुल वर्क इज ऑलवेज वर्शिप, जो पूजा में किया गया कार्य है वह वर्शिप है, लेकिन जो कर्म किया है वह पूजा नहीं है। अब ये बात कहां से आती है, इस सिद्धांत को बोला जाता है जो कर्म ही पूजा का सिद्धांत है, ये आपको बड़ा आसान लग रहा होगा जो मैंने अभी बोल दिया गधा पुजारी, इसके जो बड़ा सिद्धांत है और पूरा एक साहित्य है जिसको बोलते हैं कर्म मीमांसा, उनका कहना है ये कर्म ही पूजा जो सिद्धांत है कहां से आता है, उनका कहना है कि देखो जीवन में हमें परिणाम कैसे प्राप्त होता है, कर्म से ही होता है, राइट। अगर मान लीजिए आप महीना भर ऑफिस जाएंगे ही नहीं, काम करेंगे नहीं, तो क्या तनख्वाह मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी गाड़ी उठा करके या स्कूटर उठा के या पैदल या मेट्रो से कैसे भी करके चलाएंगे नहीं, गाड़ी चलाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो मंदिर आएंगे कभी नहीं ना। जब तक आप चलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, वाहन में आएंगे, तभी मंदिर पहुंचेंगे। तो उनका कहना है कि देखो भाई बिना कर्म के तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं होता, सच है कि नहीं, है ना। और जब हम कर्म करते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है, तो हमें पूजा करने की आवश्यकता क्या है, भगवान का रोल कहां पे आ गया, सच बात है कि नहीं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, तो आप लोग ये भला भगवान को, ईश्वर, प्रकृति को बीच में क्यों लेके आ रहे हो। तो इसीलिए केवल कर्म ही पूजा है, ईश्वर की पूजा की आवश्यकता नहीं है। कैसा लग रहा है सिद्धांत, अच्छा है बुरा है, कौन काट सकता है सिद्धांत को, या कौन इसके पक्ष में या विपक्ष में आर्ग्यूमेंट दे सकता है, भाई जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम प्राप्त हो, समझ में आ रही है आर्ग्यूमेंट ना, कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। आप भाई आप आम का बीज बोएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आम का आपको कुछ समय बाद में, 8-10 साल बाद में जब आप सिंचाई करेंगे तो आम का पेड़ निकलेगा, आम के पत्ते निकलेंगे और फिर बाद में आम का फल निकलेगा, राइट। अब आप कर्म करो ही नहीं, बीज बोए ना, तो फल प्राप्त होगा कभी, कभी होगा ही नहीं। और जब बीज आप बो देंगे, सिंचाई करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, तो प्रॉपर परिणाम प्राप्त होगा। इसमें भगवान कहां से बीच में आया, आया कि नहीं आया, कहां से बीच में आया बताइए। अब स्टूडेंट है आप, पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया आपको, तो भगवान ने थोड़ी ना भगवान ने क्वेश्चन पेपर लिखा, ना भगवान ने आंसर लिखा, ना भगवान ने चेक किया, तो फिर भगवान कहां से बीच में है। अगर जो बुद्धि देनी है वो तो भगवान ने ही देनी है। और जैसे आपने बोला कि प्रकृति का जो बताया, अगर हम बीज बोते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर उसमें बाढ़ आ जाए या भगवान उसमें साथ नहीं दे, तो वो अपने आप ही आम का पेड़ तो बन ही नहीं सकता, तो फिर सारी घूम फिर के चीजें तो भगवान के पास ही है। तो ये बात कुछ हद तक ठीक है।
अब इसका आर्ग्यूमेंट हमारे शास्त्रों में दिया जाता है कि नहीं नहीं भगवान के भगवान इन कार्यों में डायरेक्टली कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषः परः, कि भगवान क्या है, सैंक्शनर हैं। यानी जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते ना किसी कार्य को, वह कार्य फलीभूत नहीं होता। तो भगवान का यह रोल आता है कि ठीक है, आपने एक फर्टाइल सीड, उपजाऊ बीज आपने गार्डन में बो दिया, आम का बीज बो दिया, आपने नियमित रूप से उसमें पानी भी डाला, लेकिन क्या हर आम का बीज एक आम का पेड़ पैदा करता है? नहीं करता। हो सकता है उसी खेत के अंदर आपने 10 बीज बोए, 10 में से 8 में पेड़ पैदा हुआ, 2 में आपने वही पानी डाला, वही सूर्य, वही मिट्टी, लेकिन फिर भी हो सकता है 2 बीज से आपको पेड़ नहीं प्राप्त हो। तो ये कैसे होता है कि नहीं होता है कि नहीं? अब ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि केवल स्त्री और पुरुष के संपर्क से संतान हो जाती, ऐसा तो नहीं होता। तो कितनी बार स्त्री और पुरुष यौन संबंध बिताने लेकिन संतान तो नहीं होती, है कि नहीं? क्यों? जब तक भगवान की अनुमति नहीं होगी तब तक कोई आत्मा उस संपर्क में प्रवेश नहीं करेगी। तो अब कितने ही बच्चे, जो स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैं दे रहा था, कितने बच्चे खूब पढ़ाई करते हैं लेकिन पेपर में जाके क्या होता है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, राइट? और कोई कोई बच्चा ऐसा तो बहुत कम पढ़ा होता है, बहुत बस एक दो रात पहले पढ़ के जाता है, लेकिन क्या होता है, जो पढ़ के आया वही पेपर में आ गया, बहुत उसको याद था, लिख दिया। तो एक बच्चे ने 2 महीने दिन रात मेहनत की, एक बच्चे ने 2 दिन मेहनत की, लेकिन 2 दिन, अब इसका मतलब क्या है, जिसने 2 महीने मेहनत की उसे कितना मिलना चाहिए? अगर 99% 2 दिन वाले को 60-65%, लेकिन हो जाता है बहुत बारी उल्टा कि नहीं? सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब हाँ, आप ये कह सकते हो कि देखो अगर दोनों बच्चे पढ़े ही ना तो क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा, पक्की बात है, फेल होंगे, है ना? तो कर्म का अपना रोल है, कर्म तो सबको करना ही है, लेकिन केवल कर्म आपको वांछित फल की ओर लेके जा रहा है, यह सिद्धांत गलत है। समझ आ रही है बात आपको, कि ऐसा नहीं है कि आप जो एक्शन करेंगे तो वैसा ही परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब कितने लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, आप देखिए, अभी एक स्टूडेंट हमको बता रहा था, जेई मेन्स एडवांस्ड में कोई 17 लाख स्टूडेंट बच्चों ने अपियर किया था, कितनी सीटें टोटल IITs NITs में मिला के 20-25 हज़ार सारी सीटें होंगी, वो सब क्लियर करके आपको बताइए। अब 17 लाख बच्चों ने एंडेवर किया और कितनों को मिलेगा रिजल्ट, 20-25-30 हज़ार बच्चों को, 2%, 1%, 1.5%, इतने लोगों को। तो क्या बाकी 98-99% लोगों ने कुछ मेहनत नहीं की थी? ऐसा तो नहीं होता। तो जहां भगवान की सैंक्शन नहीं होगा, अनुमति नहीं होगी, वहां पे आपको वह परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म एकमात्र परिणाम देने वाला फैक्टर नहीं है, हेतु नहीं है, राइट? कर्म के साथ साथ क्या चाहिए आपको, भगवान की अनुमति, भगवान का सैंक्शन, ठीक है कि नहीं, राइट? अब भगवान ये श्लोक कह रहे हैं गीता के अंदर, आप हमारे पीछे दोहराइए श्लोक को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगवस्त्व कर्मणि। तो इस श्लोक में 4 पार्ट हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो हम सबको कर्म तो करना ही है, कर्म से हम में से कोई नहीं बच सकता। सिर्फ कौन बच सकता है कर्म से, जानते हैं? जो मुक्त जीव है वह अपने नियत कर्म को छोड़ सकता है। जैसे हम लोग, क्यों? क्योंकि जो मुक्त जीव है उसको तो शरीर बॉडीली मेंटेन से भी ज़्यादा मतलब नहीं है। अब हमें तो 3-4 बार बराबर खाना पड़ेगा, 6 घंटे सोना होगा, लेकिन जो मुक्त जीव हैं उन्हें इतना खाना सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो यानी जब वो अपने शारीरिक कर्म से भी ऊपर हैं तो फिर वो सामाजिक अन्य सब कार्य छोड़ सकते हैं। लेकिन
हर आदमी उस कर्म को नहीं छोड़ सकता। और शास्त्र कभी भी नहीं कहते कि व्यक्ति को प्री मेच्योरली अपने कार्यों को कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए, चाहे कर्तव्य कितने भी अधिक कष्टदायक क्यों ना हो। ड्यूटी को पालन करना, टू फॉलो योर ड्यूटी में भी वेरी टफ, बट स्टिल वन शुड नॉट गिव इट अप। अपने कर्तव्य का पालन करना कई बार बहुत कष्टदायक हो सकता है, छोड़ो भाड़ में जाए कौन करेगा इतना काम, लेकिन नहीं, फिर भी गीता का संदेश है हर व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य से क्या, पालन से क्या निकलता है, ज्ञान, और ज्ञान का परिणाम क्या होता है आगे जाके, वैराग्य। तो इसीलिए वो कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कर्म को कैसे करना है, इस श्लोक में भगवान ने चार पार्ट ने बताया। पहला पार्ट क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हे अर्जुन देखो, तुम्हारा अधिकार किसमें है, कर्म में अधिकार है। देखो, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, यानी एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना या नहीं करना ये उसके हाथ में है। हो सकता है स्टूडेंट सोचे कि मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा, और हो सकता है कि नहीं मैं दूसरा कार्य करूंगा। कौन सा काम करूंगा, फर्रे बनाने का काम करूंगा, चीटिंग करने का, वो भी कर्म है। कर्म है कि नहीं है, है नहीं है, विकर्म है। मैं टेस्ट करा था आप में से कितने लोग सही में चल रहे हैं, वो विकर्म है। तो क्या होगा, उसका फर्रा पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, ईयर बैक लगेगा उसका, फेल हो जाएगा, राइट। तो अब ये स्टूडेंट के ऊपर है कितनी लगन से वो पढ़ाई करने का कर्म करता है, ठीक है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसके हाथ में क्या है, स्टूडेंट के हाथ में क्या है, पढ़ाई करना, राइट। अब भगवान दूसरा पार्ट करें, मां फलेशु कदाचन। लेकिन वो स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि इतना पढ़ाई मैंने किया तो 100% मेरा आना ही चाहिए, क्लास में टॉपर होना ही चाहिए। वो जाके टीचर से लड़ाई नहीं कर सकता कि आपने गलत मार्किंग की है, और टीचर ने पेपर दिखाया, दिखाते ना कॉपी, दिखाते हैं बाद में, भाई चेक कर लो, टोटलिंग मिस्टेक तो कुछ नहीं है, कोई अनकरेक्टेड तो नहीं रह गया। तो ऐसे ही स्टूडेंट टीचर के पास जाता है और देखा भाई 5 नंबर नहीं आया उसका, 95 नंबर आया है, तो बोला आपने 95 क्यों काटा, तो बोला पेपर देख लो, तुमने 2 क्वेश्चन गलत किया है। तो बोलेगा बात गलत सही की नहीं है, मैंने मेहनत कितनी की है ना, 2 महीने मेहनत की 100 नंबर दोगे, लड़ सकता है क्या वो, ऐसा नहीं लड़ सकता। क्यों, मां फलेशु कदाचन, कर्म में आपका अधिकार है और कर्म के फल में नहीं है। अब देखिए, अगर कर्म के फल में आपका अधिकार है ही नहीं, हम में से कितने लोग कर्म करने में रुचि रखेंगे, रुचि रखोगे, कोई नहीं करेगा भाई, किसी कर्म में रुचि नहीं होगी। आदमी नौकरी कब करता है, जब पता है इतना पैकेज मिलेगा, राइट, इतना सैलरी मिलेगा तब जाके। स्टूडेंट पढ़ाई क्यों करता है, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का क्या मोटिवेशन होता है, मार्क्स आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, उसके आगे क्या है भाई, आज पढ़ाई कर लोगे तो क्या होगा, अच्छा कॉलेज, और अच्छा कॉलेज के बाद में अच्छी जॉब। अब पता लगे कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी डिग्री ले लो, लेकिन चलाना तुमने बैटरी रिक्शा ही है, तो आदमी कोई काम करेगा क्या, है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। तो लेकिन मां फलेशु कदाचन, तो अब देखिए हमारे लिए कर्म का मोटिवेशन क्या होता है, कर्म फल होता है हमेशा। लोग जैसे जुआ खेलते हैं ना, कोई लॉटरी लगाता है या कुछ करता है, उसका मन में क्या चल रहा होता है, भाई 1 का 100 होगा, राइट, या 10 का 1 का 10 होगा, 10 का 100 होगा कुछ। अगर बोला जाए 1 का 1 ही रहेगा तो कोई लॉटरी लगाएगा नहीं ना। तो आदमी, हर आदमी कार्य इसीलिए करता है कर्म फल से प्रेरित होकर। और बुरा ना मानिएगा, जब उसे कर्म फल, वांछित कर्म फल प्राप्त नहीं होता, तो आज की डेट में हम क्या देते, क्या परिणाम होता है, व्यक्ति सुइसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में चले जाता है, एडिक्शन में चले जाता है। सच कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्यों, इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन कर्म करो, लड़ाई करो, जीतोगे हारोगे इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। तो अर्जुन बोलेगा भाई मैं क्यों काम करूं, अगर जीतूंगा कुछ परिणाम प्राप्त होगा तो ही कार्य करूंगा, नहीं तो मैं नहीं लड़ता, तुम खुद लड़ो। तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, मां कर्म फल हेतुर्भूर। तो भगवान आगे कह रहे हैं, अब होता क्या है, तो भगवान कह रहे हैं कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत रखो। पहले ये आसान है, मुश्किल है, बिल्कुल निष्काम होकर कार्य करो, राइट। मतलब बॉस सैलरी स्लिप दे या ना दे, आपका काम क्या है, अपनी जॉब करना। See, that is what it means.
लाइक दैट. और पुराने काल में लोग इसे फॉलो करते थे. इसका मतलब ये नहीं है आप में से जो बॉस हो या एम्प्लॉयर हो सोचे भैया एम्प्लॉय की सैलरी मत दो और ये श्लोक कोट कर दो. नहीं, बॉस को अपना कर्तव्य करना है अपने सबॉर्डिनेट्स को मेंटेन करने का. तो हर एक के लिए अपना अपना कर्म डिफाइंड है. अब भगवान कह रहे हैं यदि कर्म फल में आप क्या करो अपने आप को कारण मत समझो. से माँ कर्म फल हेतुर्भूर, यानी कर्म फल का जो हेतु है वो आप नहीं हो. मैं कैसे नहीं हूं, इतना पढ़ाई किया मैंने तभी तो नंबर आया ना. तो मैंने पढ़ाई किया इसलिए नंबर आया, मैंने पढ़ाई किया इसलिए टॉपर बना मैं, मैंने मेहनत किया तभी तो सैलरी स्लिप मिला मुझे. नहीं नहीं, भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है. माँ कर्म फल हेतुर्भूर, तुम्हारा काम कर्म करना था, कर्म फल में अधिकार नहीं था. अब तुम जीते या हारे, सफल हुए चाहे विफल हुए, अपने आप को कारण मत मानना. मतलब सफल हुए तो सफलता का ताज मत पहनी है, और विफल हुए तो विफल होने के बाद क्या एडिक्शन, अपने आप को डिप्रेशन में मत जाइए. ये भगवान कह रहे हैं क्यों, क्योंकि ना तुम्हारा कर्म फल में कोई अधिकार नहीं है और ना तुम कर्म फल के कारण हो. ना मैं कर्म फल है मेरे पास, ना कर्म फल का मैं कारण हूं, ना मैं कर्म फल को भोग सकता हूं, तो भगवान काम ही नहीं करूंगा मैं. क्यों काम करेगा कोई, है कि नहीं भाई, क्यों काम करेगा. तो भगवान कह रहे नहीं, माते स्वंगस्त्व कर्मणि, हे अर्जुन अकर्मणि इज सिंफुल. यदि तुम कोई कार्य नहीं करोगे, निठल्ले बैठोगे तो क्या होगा, वह तो बहुत पापपूर्ण कार्य है. वो तो सबसे बड़ा विकर्म है व्यक्ति को खाली बैठना, राइट. अब पूरा चेकमेट कर दिया अर्जुन को, समझे बात को. कर्म में अधिकार है, कर्म फल में अधिकार नहीं है, कर्म फल के तुम अधिक वो नहीं हो, कारण भी नहीं हो, अपने आप को उसके जिम्मेदार मत ठहराओ, और ना तुम ये सोचो कि मैं कोई कार्य ही नहीं करूंगा. तो एकमात्र हमारे हाथ में क्या रह गया, कर्म, राइट. और भगवान कह रहे हैं इस प्रकार निष्काम होकर के, फल की इच्छा से रहित होकर अर्जुन कार्य करना चाहिए. ये जो ड्यूटी है आपको ज्ञान प्रदर्शित करती है, इस प्रकार आप क्रमशः बंधन से मुक्त हो पाओगे, है ना. तो अब अंतिम दो सवाल हमारे आपके साथ में, दो पॉइंट्स हम चर्चा करना चाहते हैं. कई बार जो है लोगों की ऐसी आर्ग्यूमेंट होती है, खासकर हम इस्कॉन के भक्तों को देख करके, कि भाई आप लोग तो जवानी के अंदर संत महात्मा साधु महात्मा बन गए, आप लोग संसार पे बोझ हो, क्योंकि आप लोग कुछ करते ही नहीं हो भाई, जा करके ना नौकरी पे कमा करते हो, पैसा कमाते नहीं, कुछ मेहनत नहीं करते, तो आप लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, राइट. तो लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिस्ट आर पैरासाइट्स, आध्यात्मिकता व्यक्ति को क्या करती है, निकम्मा बना देती है, राइट. एक ये आर्ग्यूमेंट होती है. दूसरी आर्ग्यूमेंट होती है कि अगर देखो मैंने आध्यात्मिकता का अनुकूल किया तो क्या होगा, मैं कर्मफल नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, स्पिरिचुअलिटी विल मेक मी एम्बिशनलेस, मेरे अंदर का पैशन समाप्त हो जाएगा यदि मैं स्पिरिचुअलिस्ट बन गया तो. अगर मैं आध्यात्मिक जीवन को अनुकूल किया, क्योंकि कर्म फल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कर्म ही क्यों करूंगा. नहीं, कृष्णा सेज यू हैव टू बी एम्बिशियस इन योर ड्यूटी बट डोंट बी अटैच टू रिजल्ट. अब इसकी क्या आर्ग्यूमेंट है कि जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो भक्त हैं, ये संसार पे बोझ नहीं है, खून चूसने वाले कीड़े नहीं है समाज में. इसको कैसे क्या समझा सकते हो आप. लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल तो कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं. आप देखिए हम लोग सुबह, अगर आप कभी हमारे मंदिर में आएंगे सुबह तो क्या देखेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 5-10 मिनट शांति बना के रखिए. तो अब आप सुबह हमारे मंदिर में आएंगे, हमारा क्या रूटीन होता है, सुबह 4:30 बजे आप मंगल आरती करो, जप करो, दर्शनार्थी करो, भागवतम क्लास अटेंड करो, गरम गरम प्रसाद पाओ. हमारे जैसे कितने भक्तों को मंदिर में पूछा कि ना दूध का भाव क्या है, बोले पता नहीं, आलू टमाटर का क्या भाव है किसी को पता नहीं होगा भाई, हमें तो गरम प्रसाद से मतलब है कि नहीं. तो आप बताओ ये कोई आध्यात्मिकता आपको तो संसार से बिल्कुल अलग कर देती है. चलिए आपका भाव अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो आध्यात्म जो भक्त हैं, उनको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. ऐसा नहीं है, अगर ज्यादा सुविधा मतलब क्या है, ज्यादा जिम्मेदारी. उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि समाज हमारा भरण पोषण कर रहा है तो हमें समाज के लोगों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. लेकिन किस लिए,
अकर्म के लिए है। अकर्म का मतलब आलसी बना तो नहीं था ना, तो इसीलिए जब आप भक्त बनते हैं तो कर्म और अकर्म दोनों आपको अधिक मात्रा में करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और विशेषकर उन भक्तों के जिन्होंने कर्म को त्याग दिया है एक प्रकार से बाह्य दृष्टिकोण से, कि वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर्म करें, ट्रांसेंडेंटल एक्शन करें, तो इसी हरे कृष्ण। निश्चित रूप से ऐसे साधु या ऐसे कोई आध्यात्मिक जन जो अपने कर्म को तो त्याग देते हैं लेकिन अकर्म में मेहनत नहीं करते, वो निश्चित रूप से समाज में पैरासाइट हैं, राइट? वो निश्चित रूप से समाज का खून चूसने वाले कीड़े हैं। लेकिन जो जिम्मेदार साधु हैं वो क्या करते हैं, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अपने उपकार के लिए, अपने उद्धार के लिए और दूसरों के उद्धार के लिए खूब ज्यादा मेहनत करते हैं, कर्मियों से भी ज्यादा। तो ऐसे संत जो हैं, ऐसे साधु, वो संसार पे बोझ नहीं है, वह संसार में सबसे बड़ा वरदान है, ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए साधु होने का मतलब ये नहीं है कि आलसी या निकम्मा होना, बस समाज बंधन के लिए कार्य ना करके क्या करना है, मुक्ति के लिए कार्य करना है और कर्मियों से ज्यादा मेहनत करना है। तो अब हमारा राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए वर्क के लिए, अगर इसको संक्षेप में श्लोक में समझाया जाए एक सूत्र के रूप में जो आप अपने घर में लेके जा सकते हैं, तो एक जो आध्यात्मिक चेतना के साथ स्पिरिचुअलिटी आपको कभी कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहती, तो अब कर्म कैसे करना चाहिए, देखिए, कर्मण्येवाधिकार रस्ते 100% प्रोफेशनल, आपका जो कार्य होना चाहिए वो बिल्कुल एक्सपर्टीज के साथ होना चाहिए, 100% प्रोफेशनल। ये नहीं कि अब तो मैं समाज साधु भक्ति करने लगे हैं तो भगवान को थोड़ी कच्ची रोटी, थोड़ी जली रोटी बना देते हैं, नहीं, माताएं हैं तो एकदम फर्स्ट क्लास रोटी बनना चाहिए, प्रभु जी लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जितना पैसा मिल गया जो भगवान ने दिया, 10 दिन हफ्ते में छुट्टी ले, महीने में छुट्टी ले ली, क्या फर्क पड़ता है, भगवान मेंटेन करता है हमको, नहीं। आपको अपने कर्म के अंदर, स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं पढ़ लिया बाकी तो भगवान बुद्धि दे देगा, भगवान मेरा पेपर लिख देगा, आपको अपने कार्य में 100% प्रोफेशनल होना चाहिए। तो फिर आप बोलोगे कि भाई प्रभु जी इतना प्रोफेशनल होंगे तो क्या भक्ति का समय मिलेगा, तो भगवान कह रहे हैं हाँ 100% डिवोशनल भी होना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु जी अपने प्रोफेशन में इतना बिजी हो गया कि माला करने का समय नहीं मिला, भक्तों का संग करने का समय नहीं मिला, नहीं नहीं, ज्यादा मेहनत करो, 100% डिवोशनल होना है आपको साथ साथ, ठीक है कि नहीं? मुश्किल है आसान है, बड़ा मुश्किल है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, प्रोफेशन और डिवोशन कभी साथ में चल सकता है, लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन भक्तों की जिम्मेदारी है ताकि कोई ये भी ना बोले कि देखो तुम भक्ति में जुड़ गए इसलिए निठल्ले बन गए, राइट? अभी समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद भगवान कह रहे हैं 100% एफर्ट होना चाहिए आपका, ऐसा भी नहीं कि आधा अधूरा मन मार के एफर्ट चलो कर लेते हैं, नहीं, जो भी आप कार्य करते हो 100% करना है उसे। तो प्रभु जी 100% मेहनत करेंगे तो 100% रिजल्ट भी आना चाहिए ना, वो नहीं, 100% डिपेंडेंस या 100% डिटैचमेंट। आपको का मेहनत कितनी करनी है, 80%। कितनी मेहनत करनी है, एफर्ट कितना करना है, 100%। प्राप्त होगा कुछ भी प्राप्त हो उससे आपके मेहनत पे असर नहीं पड़ना चाहिए कि आप सोचो भाई इतनी मेहनत की प्रमोशन नहीं हुआ नौकरी छोड़ देता हूं ना, ठीक है नौकरी चेंज करना दैट में बी अ साइड ऑफ योर प्रोफेशन, लेकिन आपको विरक्ति होनी चाहिए पूर्णतया कि नहीं कर्म फल मेरा अधिकार नहीं है। तो वन शुड बी डिवोटेड, शुड बी 100% प्रोफेशनल 100% डिवोशनल, जानना चाहिए कि देखो कर्तव्य करना बढ़िया तरीके से मेरे हाथ के अंदर है लेकिन साथ साथ मुझे क्या करना है अकर्म भी करना है। तो ये हो गया कर्म और अकर्म का बैलेंस, राइट? और इसके बाद में 100% एफर्ट, आपके एफर्ट में मटेरियल एफर्ट में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए और साथ साथ 100% डिटैचमेंट, परिणाम चाहे कुछ भी प्राप्त हो हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही संक्षेप के अंदर हमने एक विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया कि अर्जुन सोच रहा था कि कर्म क्या करता है, कर्म फल से क्या मिलता है, आसक्ति, आसक्ति से बंधन। तो अर्जुन सोच रहा था कि अगर मुक्त होना है तो कर्म ही मत करो,
तो अर्जुन ये कह रहा था, लेकिन भगवान ने गीता के ज्ञान से उनकी चेतना को परिवर्तन किया और बोला, हे अर्जुन, कि कर्म, अकर्म और विकर्म तीन प्रकार के कार्य होते हैं और मेरी प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य क्या है, वो अकर्म है। तो निश्चित रूप से हर सज्जन बुद्धिमान व्यक्ति को विकर्म से बचना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, तो उससे तो बचना चाहिए। और कर्म और अकर्म के मिश्रण को से करना पड़ेगा। कर्म को जब तक नहीं त्याग सकता जब तक व्यक्ति जीवन मुक्त नहीं हुआ है, जब तक वो शारीरिक बंधन में है उसे कर्म करना होगा, लेकिन साथ साथ अकर्म को अपने दैनिक कार्यकलाप में बढ़ाना चाहिए। कर्म कैसे करना चाहिए? कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल ड्यूटी के अंदर आपका अधिकार है, रिजल्ट में नहीं है। आप, यू आर नॉट द कॉज ऑफ द डूअर एंड यू कैन नॉट गिव अप योर ड्यूटीज, गिविंग अप योर ड्यूटीज इज सिनफुल। तो इसीलिए जो आपको कर्तव्य करना है उसमें 100% प्रोफेशनल। लोग बोले कि हाँ भाई देखो, मतलब द बेस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेस्ट ऑफ लॉयर, बेस्ट ऑफ डिजाइनर, जितने भी हो वो आपको बनना चाहिए अपने कर्म के अंदर, और 100% डिवोशनल। फिर कोई बोले कि भाई आप इतने सफल कैसे हुए? हाँ भाई, मेरी सफलता का राज है क्योंकि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, राइट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एफर्ट कितना होना चाहिए? आप ये नहीं कहिएगा कि नहीं नहीं हम तो भगवान के भक्त बन गए हैं, आप तो भगवान मेहनत करेंगे, हाँ भगवान ने बोला है हमारी रक्षा करेंगे, नहीं। आपका पूरा एफर्ट होना चाहिए, काम चोरी नहीं होने चाहिए, और पूरी मेहनत करने के बाद भी यदि आपको परिणाम प्राप्त ना हो तो डिप्रेस मत होइए। अब मेरा अंतिम प्रश्न आप सबसे, क्या अर्जुन ये गीता के ज्ञान के बाद ये चारों कार्य कर रहा था या नहीं किया? चारों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कितने लोग कहते हो अर्जुन ने चारों क्राइटेरिया फुलफिल किए? 100% प्रोफेशनल। अगर अर्जुन प्रोफेशनल नहीं होता तो एक क्षण के लिए देरी होती क्या होता, उसे गर्दन कट जाती। युद्ध क्षेत्र में था, कोई साइन नहीं लिख रहा था वहां पे कि चलो साइन गलत हो गया, चेक बाउंस हो जाएगा, दूसरा चेक साइन कर देंगे, ऐसा नहीं था, है ना? तो अर्जुन आवाज 100% प्रोफेशनल। अगर सामने से कौन सा बाण आ रहा है उसको उसके विपरीत बाण मारना होगा, लड़ाई करना होगा। और 100% डिवोशनल था कि नहीं था? कैसे? क्योंकि पूरा का पूरा मार्गदर्शन भगवान से लिया था। अब जानते हैं, चलो कथा बहुत लंबा समय हो जाएगा, रात के समय भगवान श्री कृष्ण क्या काम करते थे? सब घोड़ों को रथ से निकालते थे, घोड़ों की मसाज करते थे, उनको दवाई वाई खिलाते थे, घास खिलाते थे, पानी पिलाते थे। तो एक बार सब पांडवों ने देखा कि कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम क्यों करते हैं, तो कृष्ण से पूछा। कृष्ण ने बोला रात को आना, तब बताऊंगा तुमको। तो सब पांडव रात को जगे थे चारों, और देखा कि कृष्ण रात को निकल के दबे पांव अर्जुन के टेंट में जा रहे हैं। तो सब पांडव एक के पीछे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब पीछे आए। फिर देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के टेंट में गए, तो सब बाहर से देख रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से अर्जुन के शरीर की मसाज करने लगे। तो सबने देखा कि ये क्या कारण है। तो भगवान ने देखा ये चारों खड़े हैं, तो बुलाया उनको और बोला देखो अपना कान लगाओ, अर्जुन के किसी भी अंग में आप कान लगाओ, हाथ पे, पैर में, किधर, सबने, किसी ने पीठ पे लगाया, हाथ लगाया, तो क्या आवाज आई? कृष्णा 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 कृष्णा। तो बोले मैं अर्जुन से इसीलिए प्रेम करता हूं। तो दैट इज 100% डिवोशनल, कि अर्जुन युद्ध करता हुए भी भगवान का नाम जप करता था दिन रात, ऐसा है। और एफर्ट अर्जुन का कम था ना ज्यादा था? पूरा पूरा मेडिटेशन होता था कैसे किसको कब मारना है। तो 100% एफर्ट किया, लेकिन फिर पराजय मिली या जय मिली इसमें अर्जुन आ सकता ना, विरक्त था वो। भगवान की इच्छा है, जो मिलेगा वो करेंगे। जैसे जब कर्ण का वध करना था तो कर्ण का रथ का जो पहिया था वो जमीन में धस गया, तो कर्ण ने बोला कि अरे भाई मेरे को रथ पहिया निकालने दो, उसके बाद मारना। तो अर्जुन रुक गया, तो भगवान एकदम बोले, क्या बोले? अरे भाई तुमको तुम्हारा धर्म आज तुम्हें याद आया है अपनी जान बचाने के लिए, उस असत सभा के अंदर द्रौपदी का वस्त्र हरण कर तब तुम्हारा धर्म क्या घास चरने गया था? आज चार दिन पहले एक निहत्ते अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मारा, उस दिन धर्म भूल गए थे, आज तुम्हें याद आ रहा है धर्म? तो जब भगवान ने ऐसा बोला तो अर्जुन का भी ब्लड बॉइल हो गया कि उनकी पत्नी का अपमान, बेटे का वध ऐसे किया। बोला अर्जुन को कि अभी बाण चलाओ और कर्ण को मारो, राइट? और अर्जुन ने बाण निकाला और मार दिया। अर्जुन ने परवाह नहीं की कि देखो भविष्य में लोग क्या बोलेंगे कि अर्जुन ने छल से कर्ण को मारा। लोग बोलते हैं इस बात की कि अर्जुन के बस की नहीं थी कर्ण को मारना। अर्जुन ने परवाह नहीं किया, बोले भगवान का ऑर्डर है मारो, बाद में मान मिलेगा चाहे अपमान मिलेगा, राइट? फल से मुझे टेंशन नहीं, भगवान ने बोला तो मारो। तो दैट वॉट अर्जुन आवाज 100% डिपेंडेंट। तो हमें ये कार्य करने का एक ये सूत्र आज हमने चर्चा किया, ऐसे कई सारे बढ़िया बढ़िया सूत्र भगवद गीता के अंदर दिए गए हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की।
निताय गौर प्रेमनंदे हरे हरे बोल हरे कृष्ण।